लीजिए, पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाइए और दोनों छोरों को अलग कर दीजिए। यदि इस प्रकार का ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से बाहर आए तो उसे तुरंत अपनी ओर खींचे और इस तरह से अपने नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहन लें। आपकी रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखी है। यदि आपातकालीन स्थिति में विमान को पानी पर उतरना पड़े तो इस रक्षा जैकेट को इस तरह पहनें और पट्टी अपनी कमर पर कस के बांध लें। रक्षा जैकेट को सिर्फ द्वार के निकट ही फुलाएं। इसे फुलाने के लिए इस लाल डोरी को मजबूती से खींचे। आपसे निवेदन है कि निकासी द्वार तक पहुंचने से पहले अपने रक्षा जैकेट को ना फुलाएं, क्योंकि इससे विमान से निकलने में बाधा आ सकती है। आपकी रक्षा जैकेट को अधिक फुलाने के लिए इसमें एक नली दी गई है, जिसमें इस तरह से हवा भरकर फुला लें। पानी के साथ संपर्क में आते ही यह बत्ती जल जाएंगी और यह सीटी ध्यान आकर्षित करने में आपकी सहायता करेंगी। इवैक्यूएशन स्लाइड्स हर द्वार पर मौजूद हैं। इस विमान पर 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 विमान के पिछले हिस्से में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार विमान के अगले हिस्से में हैं। याद रहे, आपका नजदीकी द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। विमान में धुआं मौजूद होने पर फर्श पर लगी फ्लोरोसेंट मार्ग आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेंगी। सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सीट पॉकेट में रखा है, इसे ध्यान से पढ़ लें। जो अतिथि ओवरविंग द्वारों पे बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे इन द्वारों की संचालन विधि को ध्यान से पढ़े और समझ लें। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल नाउ डेमोंस्ट्रेट